तो friends, कैसे हैं आप friends, स्वागत आपका इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बनाता हूँ तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिए तो वीडियोज के अलावा भी बना के सेल करता हूँ तो अगर आपको फ्रेंड्स लिफ्ट के पैनल की रिक्वायरमेंट है जी प्लस वन से लेके जी प्लस फोर तक का तो मैं रिले कंट्रोल लिफ्ट का पैनल बनाता हूँ जो friends, तो ऐसे पैनल की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं इस नंबर पे उसके अलावा फ्रेंड्स किसी भी मोटर का स्टार्टर या तो वो डीओ एल स्टार डेल्टा वी एफ डी के थ्रू स्टार्ट होने वाला पैनल फ्रेंड्स ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड या फ्लोट स्विच पंप स्टार्टर टेम्परेचर कंट्रोल पैनल या तो फ्रेंड्स पी एल सी एच एम आई कंट्रोल पैनल है तो आप उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज के वीडियो में हम एक वी एफ डी के बारे में समझने वाले हैं

तो मॉडल पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स उसके अलावा एनालॉग इनपुट टर्मिनल में प्लस टेन वोल्ट ए आई वन ए टू और ग्राउंड होता है और एनालॉग आउटपुट टर्मिनल में ए वन है और रिले टर्मिनल में आर वन ए आर वन बी और आर वन सी टर्मिनल है फ्रेंड्स उसके अलावा फ्रेंड्स ओपन कलेक्टर में वाई टर्मिनल है तो फ्रेंड्स अगर हमें ट्वेंटी वोल्ट को यूज करके किसी भी टर्मिनल पे कमांड देना है किसी भी टर्मिनल इनपुट टर्मिनल पे तो फ्रेंड्स हमें ग्राउंड और पीएलसी को एक वायर से शॉर्ट करना पड़ेगा अगर फ्रेंड्स हमें कॉमन का यूज करके किसी भी डिजिटल इनपुट को ऑन करना है तो हमें फ्रेंड्स पीएलसी और 24 फोर बोल्ट को आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा फ्रेंड तो मैं अभी जो वीडियो बता रहा हूँ इसमें मैंने 24 फोर बोल्ट के थ्रू इसको ऑन किया हुआ इसलिए मैंने पीएलसी और ग्राउंड को आपस में शॉर्ट किया है फ्रेंड्स तो सबसे पहले डिजिटल इनपुट टर्मिनल के बारे में समझ लेते हैं इसकी कैसे करना है? तो 24 से एक वायर उठाएंगे तो रिवर्स में रन करेगा फ्रेंड्स इसका पैरामीटर जो है बेसिक मैं यहाँ पैरामीटर बताता हूँ आगे मैं डिटेल में पूरा पैरामीटर बताऊंगा तो इसका पैरामीटर सेट करने के लिए फ्रेंड्स सी जीरो जीरो पे जाना पड़ेगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो पे वन होगा मतलब फॉरवर्ड में और डी आई टू को यूज करने के लिए सी जीरो जीरो सी जीरो पॉइंट जीरो वन पे जाना पड़ेगा वहाँ पे टू डाल देंगे तो रिवर्स में रहेगा ये डिफॉल्ट रहता है ये फ्रेंड्स डी आई थ्री पे डिफॉल्ट में रिसेट का कमांड दिया रहता है सी जीरो जीरो टू पे फ्रेंड्स डी आई फोर के लिए सी जीरो पॉइंट जीरो थ्री पे जाएंगे यहाँ पे थर्टीन डाला रहता है थर्टीन मतलब कि मल्टी स्टेप स्पीड वन मतलब कि सेकेंड स्पीड का कमांड यहाँ से दे सकते हैं फ्रेंड्स इसका सेकेंड स्पीड का जो फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो वो आपको एफ वन जीरो वन में जाके फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं सेकंड स्पीड का फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स डिजिटल इनपुट का ये हमारा बेसिक्स हो गया और अब एनालॉग इनपुट को समझते हैं जैसे पोटेंशियोमीटर को यूज करना है तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना है की का एक बार जो प्लस टेन वोल्ट का होता है उसको इधर प्लस टेन वोल्ट पे, पे देना है जीरो वोल्ट वाला वायर ग्राउंड पे देना है और आउटपुट जो है पोटेंशियोमीटर का वो हमें ए आई वन या ए आई टू पे किसी पे दे सकते हैं ए आई वन पे केवल हम जीरो से टेन वोल्ट डीसी का यूज कर सकते हैं आउटपुट में और लेकिन ए आई टू यूज करेंगे तो जीरो मिली और वोल्टेज दोनों का सिग्नल दे सकते हैं एनालॉग इनपुट के रूप में यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी का चेंज का कमांड दे सकते हैं फ्रेंड्स इसको अगर हमें पैरामीटर में जाना होगा इसको चेंज करने के लिए तो बी जीरो पॉइंट जीरो वन में जाकर टू सेट कर देंगे तो एनालॉग इनपुट हो जाएगा फ्रेंड्स इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम वोल्टेज का टर्मिनल यूज करते हैं तो ये अपना जो नॉब रहता है इसको वी के तरफ कर देंगे अगर इनपुट एनालॉग इनपुट जो हमारा करंट के रूप में यूज करते हैं तो आई की तरफ इसको नॉब को लेना पड़ेगा उसके अलावा फ्रेंड्स एनालॉग आउटपुट है यहाँ पे जीरो से टेन वोल्ट में आउटपुट दे रहा है तो यहाँ पे फ्रेंड्स सी थ्री पॉइंट जीरो वन वन पे जाएंगे सी थ्री पॉइंट जीरो जीरो पे जाएंगे इसके पैरामीटर्स के लिए अगर यहाँ पे तीन सेटिंग है वन टू थ्री वन मतलब कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी देगा यहाँ पे ये एनालॉग आउटपुट फ्रीक्वेंसी देगा दूसरा अगर टू डाल देते हैं तो मतलब कमांड फ्रीक्वेंसी जो हमने डाला हुआ ये हमारा एक्चुअल आउटपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट जो वाला ये कमांड फ्रीक्वेंसी और ये हमारा तीन नंबर डालते हैं तो आउटपुट करंट देगा फ्रेंड्स ये रिले को यूज करने के लिए है friends, तो ये कॉमन टर्मिनल होता है ये आरबीएनसी होता है आर ए एन ओ होता है तो इसके पैरामीटर सेट करने के लिए सी वन पॉइंट जीरो टू में जाएंगे इसमें अगर फ्रेंड्स वन डालते हैं तो जैसे रन करेगा तो ये

कंट्रोल वायरिंग है और इसकी प्रोग्रामिंग है अब मैं आपको एक्चुअल प्रोग्रामिंग बताता हूँ पूरे डिटेल में ये बेसिक्स इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हैं जितने भी हैं उसमें इसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट्स को बता देता हूँ फ्रेंड्स सबसे पहले जो है फ्रेंड्स अगर हमें रीसेट करना है हमारे पैरामीटर्स को तो ये जीरो पॉइंट जीरो फोर में जाएंगे अगर हमने जीरो डाल दिया मतलब कोई ऑपरेशन नहीं वन डाल दिया तो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा वो मोटर के पैरामीटर के बिना अगर टू डाल देते हैं तो और जितने भी टाइप के फॉल्ट हुए हैं वो सारे फॉल्ट रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे अगर तीन डाल देते हैं तो जितना भी हमारा अभी करंट पैरामीटर सेट किया वो उसका बैकअप बन जाएगा अगर चार डालते हैं तो हमारा जितना भी बैकअप बना हुआ वो, वो स्टोर हो जाएगा पाँच डालते हैं तो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा मोटर के साथ मोटर का जो डेटा है वो भी हमारा रीसेट हो जाएगा उसके अलावा फ्रेंड्स हमारा ए जीरो पॉइंट वन एट जो है ये फैन का कंट्रोलिंग है अगर जीरो डालते हैं तो हमेशा ऑन रहेगा कूलिंग फैन और वन डाल देते हैं तो रन कमांड जब देने पे ऑन होगा फ्रेंड्स और उसके अलावा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में है हमारा बी जीरो पॉइंट जीरो वन ये मास्टर फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन है मतलब किस चीज़ से हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहते हैं जीरो मतलब मास्टर डिजिटल सेटिंग बी जीरो पॉइंट जीरो टू में जो भी फ्रीक्वेंसी डालेंगे, डालेंगे वो अगर जीरो यहां पे रखेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स अगर वन डालते हैं तो की पैड पे जो पोटेंशियल मीटर है उसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं टू डाल देते हैं तो एनालॉग इनपुट के थ्रू कर सकते हैं थ्री मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू उसके अलावा फ्रेंड्स बी जीरो पॉइंट जीरो सेवन जो है वो जॉग की फ्रीक्वेंसी है जॉग का फ्रीक्वेंसी कितना रखना उसका सेटिंग है यहाँ पे फ्रेंड्स P जो ये हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना रखना है फ्रेंट? और ई वन पॉइंट जीरो जीरो का सिलेक्शन है मतलब कि हमें कीपैड से रन करना है या टर्मिनल के थ्रू रन करना है तो हमने शुरू में वायरिंग डायग्राम बताया था वो टर्मिनल के थ्रू और रन करने के लिए वन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा बी वन पॉइंट जीरो जीरो में और टू मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू जीरो मतलब की के थ्रू स्टॉप कोड है बी वन पॉइंट वन टू मतलब कि अगर हमें जीरो यहाँ पे डालते हैं फ्रेंड्स तो धीरे धीरे स्टॉप होगा और अगर वन डाल देते हैं तो हम डी एक्सलेशन कितना भी रखते हैं फिर भी वो एक ही बार में जीरो स्पीड पे चला जाएगा फ्रेंड्स फ्रेंड्स बी टू पॉइंट जीरो जीरो है, के लिए, बी टू पॉइंट जीरो के लिए उसके अलावा फ्रेंड्स सी वाला सी जीरो जीरो से लेके सी जीरो थ्री तक जो है ये डिजिटल इनपुट जो है जो मैंने बताया था आपको डी आई वन डी आई टू डी आई थ्री डी आई फोर उस पर उसको यूज करने के लिए फ्रेंड्स एक से लेकर चार तक का इसमें वन है मतलब फॉरवर्ड टू मतलब रिवर्स सेवन मतलब रीसेट के लिए थर्टीन मतलब मल्टी स्टेप फ्रीक्वेंसी के लिए मतलब सेकेंड स्पीड के लिए इसका फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए हमें एफ वन पॉइंट जीरो जीरो पे जाना पड़ेगा और परसेंटेज में फ्रिक्वेंसी वहां पर सेट होता है फ्रेंड्स अगर थ्री डाल दिया है फ्रेंड्स इसमें सी जीरो जीरो और इसमें सी जीरो जीरो से लेकर जीरो जीरो थ्री में अगर थ्री डाला है मतलब थ्री वायर कंट्रोल हो जाएगा फ्रेंड्स मतलब कि स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू अगर हम रन कमांड देना चाहते हैं तो यहाँ पे थ्री सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस भी टर्मिनल को यूज करना चाहते हैं हम अपने स्टॉप कमांड के लिए तो मैं आगे थ्री वायर सिस्टम का वायरिंग बताऊँगा और उसका पैरामीटर भी बता दूंगा फ्रेंड्स सिक्स है मतलब कोस टू स्टॉप मतलब एक स्टॉप के लिए तो स्टॉप कमांड लेना है तो भी ले सकते हैं फ्रेंड्स टेन मतलब अप का फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए किसी टर्मिनल के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं जैसे एक पर बटन सिग्नल दिया तो फ्रीक्वेंसी वन पॉइंट बढ़ जाएगा अगर ग्यारह पे डाउन के लिए ले सकते हैं मतलब अपने टर्मिनल के थ्रू अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं उसके अलावा फ्रेंड सी जीरो पॉइंट वन फाइव है ये हमारा थ्री वायर सिस्टम को यूज करने का या टू वायर सिस्टम को यूज करना है तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे होगा मतलब टू वायर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं मतलब सिलेक्टर स्विच के थ्रू रन कमांड देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे जीरो या वन सेट कर सकते हैं अगर हम स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू ऑन ऑन ऑफ करना चाहते हैं रन कमांड देना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें टू सेलेक्ट करना पड़ेगा सी जीरो पॉइंट वन फाइव में और इसके थ्री वायर सिस्टम को यूज़ करने के लिए जो टर्मिनल यूज़ करना चाहते हैं स्टॉप का उसके लिए हमें यहाँ पे जिस भी टर्मिनल को यूज करना चाहते हैं उस पर हमें थ्री डालना पड़ेगा फ्रेंड्स आगे वायरिंग बताता हूँ उसके अलावा फ्रेंड्स रिले का आउटपुट यूज करने के लिए आपको सी वन पॉइंट जीरो टू में जाना पड़ेगा फ्रेंड्स रिले वन का और वन पॉइंट जीरो टू में देखिए वन डालेंगे तो रनिंग सिग्नल टू मतलब कि फॉल्ट आउटपुट आगे मैंने ये बता दिया आपको पहले ही आगे ही फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स चलते हैं डी जीरो पॉइंट जीरो वन ये मोटर का सेटिंग देन डालना है डेटा डालना है तो डी जीरो पॉइंट जीरो वन में किलोवाट डालना है मोटर का जीरो पॉइंट जीरो टू में वोल्टेज डालना है जीरो पॉइंट जीरो थ्री में करंट डालना है जितना भी आ, फुल लोड टेम्पियर है मोटर का वो डालना है फ्रेंड्स और डी जीरो पॉइंट जीरो फोर में फ्रिक्वेंसी डालना है और डी जीरो पॉइंट जीरो फाइव में आरपीएम स्पीड डालना है और अगर ऑटो ट्यूनिंग करना है तो डी जीरो पॉइंट जीरो थ्री में थ्री जीरो में जाना पड़ेगा फ्रेंड्स वन मतलब स्टैटिक ऑटो ट्यूनिंग टू मतलब रोटरी ऑटो ट्यूनिंग फ्रेंड्स और फॉल्ट रिकॉर्ड देखना है तो यू वन पॉइंट जीरो जीरो में जाके हम कोई भी फॉल्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं फ्रेंड्स हम थ्री वायर सिस्टम को यूज करते हैं कि वायरिंग समझते हैं कि इसका कैसा यूज करना है फ्रेंड्स तो देखिये ट्वेंटी फोर बोल्ट को हमने एक वायर उठाया और यहां से हमने स्टॉप इस, इस पुश बटन के थ्रू हमने डी आई डी आई थ्री को यूज किया फ्रेंड्स डिजिटल टर्म इनपुट टर्मिनल टर्मिली को यूज किया हमने स्टॉप कमांड के लिए और फ्रेंड्स और डी आई वन पर मैंने फॉरवर्ड ले लिया और डी आई टू पर रिवर्स ले लिया ये दोनों एन NO ओ लिया और यहाँ पे एन सी लिया स्टॉप का इनपुट कहाँ दिया फ्रेंड्स हमने डी आई थ्री पे तो फ्रेंड्स डी आई थ्री का पैरामीटर सेट करने के लिए कहाँ जाना पड़ता सी जीरो पॉइंट जीरो टू पर तो सी जीरो पॉइंट जीरो थ्रू पर हमें वहाँ पे तीन डालना पड़ेगा डिजिटल इनपुट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा थ्री बार के लिए और उसके अलावा फ्रेंड्स सी जीरो पॉइंट वन फाइव में जाकर कर टू डालना पड़ेगा तो हमारा इनपुट जो होगा सिस्टम का वो थ्री वायर मोड में चला जाएगा तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन के थ्रू रन कमांड दे सकते हैं अब आप समझ गए होंगे इमोट्रॉन वी का सारा वायरिंग और इसकी प्रोग्रामिंग अगर कोई भी कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में तब तक फ्रेंड्स जय हिंद जय जाए भारत